हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। अगर आप एक्सेल के अंदर चूज कॉल्स फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चूज कॉल्स फंक्शन का बेसिक और लास्ट में उसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन ट्रिक जो आपको रेगुलर बेसिस पे काम आएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट रखा हुआ है, एक डेटा लिस्ट तैयार कर रखा है जिसमें मैंने कोड, आइटम, रेट एंड क्वांटिटी रखा है। अभी मुझसे ये कहा जाता है कि इस डेटा लिस्ट से कोई एक पर्टिकुलर कॉलम आप उठा के यहां डिस्प्ले कराओ। तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल्स चूज कॉल्स ब्रैकेट ओपन। अभी इसमें जो पहला पैरामीटर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें पहले पैरामीटर में ये एरे मांग रहा है। तो मेरे केस में जो एरे है वो A4 से DK9 तक है, मैंने ये डाल दिया कॉमा। अभी मुझे कौन सा कॉलम कहा गया है इस डेटा लिस्ट से यहां पे लाने को, तो सपोज मुझे सिर्फ कोड लाना है तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा, ब्रैकेट बंद और इंटर। देखो यहां पे आपके सामने ये कोड आ चुके हैं। ओके, ये तो बात हो गई कि अगर आपको एक सिंगल यहां पे कॉलम उठाने को कहा गया, लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि नहीं ऐसा है ना, आप 1, 2 पहला कॉलम भी लाओ, साथ में दूसरा कॉलम जो कि यहां पे आइटम है उसे भी लाओ, तो 1 के बाद कॉमा देके 2 मैंने लिखा, ब्रैकेट बंद किया और इंटर। देखो अभी आपके सामने कोड के साथ साथ आइटम भी आ चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉमा देके 3 दे दूं तो देखो आपके सामने कोड, आइटम और रेट, ये 3 कॉलम्स आ चुके हैं। अगर मैं कॉमा देके 4 दे दूं तो ये चारों कॉलम यहां पे आ चुके हैं। अगर आपको कहा जाता है कि नहीं आप ऐसा करो ना, आप ऑर्डर चेंज कर दो, आप पहले जो है दूसरा कॉलम लाओ कॉमा, उसके बाद चौथा कॉलम लाओ कॉमा, उसके बाद तीसरा कॉलम लाओ कॉमा, उसके बाद पहला कॉलम का वैल्यू लाओ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये जो चूज कॉल्स फंक्शन है इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी डेटा लिस्ट है उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा जो हम लोग अभी सीखेंगे ट्रिक के ऊपर। देखो यहां पे मुझे यह कहा गया कि ऐसा है कि आपके सामने यहां कुछ आइटम्स हैं कोड वाइज अरेंज किए हुए हैं और आपको यहां पे आइटम के नाम पे सर्च करके उसका रेट या क्वांटिटी लाना है। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। इसके लिए नॉर्मली हम लोग भी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन चूंकि कोड पे सर्च नहीं करना है, आइटम पे सर्च करना है, तो भी लुकअप यहां पे काम नहीं करेगा। यहां पे आपको इंडेक्स मैच के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना होगा, जिसकी वीडियो एक्सेल प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा में, आप वहां से जाके देख लेना। या नहीं तो आप चाहो तो एक्स लुकअप का भी यूज कर सकते हो, लेकिन देखो कैसे मैं चूज कॉल्स फंक्शन और भी लुकअप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके किसी भी आइटम को इस रेंज में सर्च कर सकता हूं, कोड के ऊपर नहीं बल्कि आइटम के ऊपर जो कि सेकेंड कॉलम है। देखो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स चूज कॉल्स ओके ब्रैकेट ओपन, ये मैंने यहां से ये पूरा लिस्ट दे दिया कॉमा, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए दूसरा कॉलम कॉमा तीसरा कॉलम कॉमा चौथा कॉलम। ओके, अभी मैं ऐसा लिख के ब्रैकेट बंद करता हूं और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं देखो आपके सामने आइटम, रेट और क्वांटिटी आ चुकी है। अभी यहां पे आइटम सेकेंड कॉलम है, लेकिन यहां पे चूज कॉल्स फंक्शन से जो मैंने यूज किया तो आइटम जो है यहां पे पहला कॉलम हो गया, चूंकि मैंने पहला कॉलम यहां उठाया नहीं इससे, तो जो दूसरा कॉलम है वो यहां पे पहला कॉलम हो गया। अब मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, मुझे सर्च क्या करना है, तो जो इस सेल में वैल्यू है मुझे उसे सर्च करना है, HK2 में जो भी आइटम का नाम हो मुझे उसे सर्च करना है कॉमा। कहां सर्च करना है तो वो मैंने चूज कॉल्स से यहां पे रन टाइम ले आऊंगा कॉमा, कौन सा आपको कॉलम चाहिए इनमें से जो आइटम, रेट और क्वांटिटी उठ के आ रही है उसमें, सपोज मुझे रेट चाहिए तो मैं 2 डालूंगा, चूंकि ये जो रेट कॉलम है ये यहां पे थर्ड कॉलम ना होके सेकंड कॉलम हो जाएगा कॉमा फॉल्स ब्रैकेट बंद इंटर। देखो ये आपके सामने रेट आ गया, यहां पे मैं लैपटॉप मैंने डाला, ये रेट लैपटॉप का दिख रहा है, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं
एक्चुअली ये रेट नहीं है, ये क्वांटिटी है, ओके ये जो है आपका क्वांटिटी है और यहां पे रेट है, ठीक है। चलिए ये कॉलम को मैंने रिनेम कर लिया। अभी मैं ये क्वांटिटी जो मैंने अभी निकाला, इस क्वांटिटी को मैं एडिट करता हूँ, मैं इसे 140 या 400 पीस कर देता हूँ। देखो ये चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर आपको रेट चाहिए होगा तो आप यहाँ पे 2 के जगह पे कॉमा यहाँ पे 3 डाल दोगे, चूंकि जो चूज कॉल्स फंक्शन यहाँ पे लेके आ रहा है आइटम क्वांटिटी और रेट, उसमें रेट जो है वो तीसरा कॉलम है। इंटर, देखो आपके सामने रेट आ गया। यहां से आप चेंज करो, लैपटॉप के जगह पे मैं कीबोर्ड लिखता हूं, इंटर। देखो यहां पे कीबोर्ड का जो रेट है वो आ जा रहा है। तो इस तरह से आपने इस फंक्शन इस पर्टिकुलर वीडियो में चूज कॉल्स फंक्शन का बेसिक सीखा और चूज कॉल्स फंक्शन का भी लुकअप के साथ एक बेहतरीन इस्तेमाल सीखा, जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी बड़े डेटा लिस्ट, बड़े डेटा रेंज में, बड़े एरे से आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यू के ऊपर सर्च करके किसी दूसरे कॉलम के वैल्यू को यहाँ पे ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन भी वीडियो अपलोड करने का बना रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।